हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव गार्डनिंग। चलिए फ्रेंड्स, मैं आज आपको अपने छत पर लगी हुई सब्जियों का अपडेट दे देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत छोटी वाली तरोई है, इसे हमारे यहाँ सतपुती तरोई कहते हैं। इसके फल गुच्छों में लगते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें फ्लावरिंग हो रखी है और नई बड्स बन रही हैं। ये वही पौधा है जिसे कुछ दिनों पहले हमने बीज से उगाया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने बोरी में लगाया है। सीमेंट की बोरी वैसे तो किसी काम में नहीं आती है, पर आप चाहें तो इसमें मनचाही सब्जियां लगा सकते हैं। एक तो आपको पॉट का खर्च बच जाएगा, दूसरा आपकी छत पे ज़्यादा भार भी नहीं आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी लौकी, इसे भी हमने सीमेंट की बोरी में ही लगाया है। ये देखिए, ये भी अच्छे से ग्रो हो रही है। उम्मीद करती हूँ कुछ दिनों में इसमें भी फल लगने लगेंगे। अगर इसमें फल आएंगे तो इसका अपडेट भी मैं आपको जरूर दूंगी। अगर आपके घर में नीचे जगह कम है तो आप भी छत पर अपनी मनचाही सब्जी को उगाकर ऑर्गेनिक सब्जी का यूज कर सकते हैं। चलिए दिखाती हूँ पालक को आप, जिसे हमने बीज से ही ग्रो किया था। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बारिश हो गई तो इस पालक को धूप नहीं मिल पाई, इस वजह से ये काफी लैगी सी हो गई है। पर अभी थोड़ी बहुत धूप इसे मिल जाती है, इसीलिए इसकी पत्तियाँ थोड़ी बड़ी होने लगी हैं। एक बार इसकी कटिंग होने के बाद इसमें बहुत अच्छे से पत्तियाँ निकल आएंगी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।